Welcome to E-Vidyalaya. Hello students, this is Abhishek from E-Vidyalaya. Today we are talking about question 6. You can see the rest of the questions in our playlist. And if we talk about question 6, it is given that given a triangle ABC similar to triangle PQR. If AB upon PQ is equals to 1 by 3, यानी कि corresponding sides के ratios दिए हुए हैं यहाँ पे 1 by 3, ठीक? Then find the ratio of area of triangle ABC and PQR, ठीक है? तो सबसे पहले इस question को solve करने से पहले आपको एक theorem की knowledge होनी चाहिए, ठीक है? अगर जिन बच्चों को उस theorem के बारे में knowledge नहीं है, तो उस theorem को note कर लें. Theorem है If two triangles are similar, then the ratio of areas of these triangles are proportional to the square of the ratio of corresponding sides, ठीक है? Theorem है, if two triangles are similar, then the ratio of areas of these triangles are proportional to the square of the ratio of corresponding sides, ठीक है? Note हो गया? ठीक है, मैं इसको rub कर देता हूँ, ठीक? इस थ्योरम की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है करेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 1 बाय 3, देन हमको इसका एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है? तो क्या थ्योरम था कि एरिया का रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? करेस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के, ठीक है? तो यहां पे कितना है? AB / PQ इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? 1 by 3 दिया हुआ है, 1 by 3 का स्क्वायर यानी कि 1 by 9. This is my final answer. Now question number 7 is, given that root 2 is irrational, ठीक है? Root 2 is irrational, prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number, ठीक है? आपके पास given क्या है? Root 2 क्या है? Irrational number है, ठीक है? और वो prove करना है कि 5 plus 3 root 2 क्या है? Irrational number है, ठीक? तो देखिए, वेरी सिंपल, अगर हम इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है? ये इरेशनल, ठीक है? तो हम यहां पे रूट टू मेरा क्या है? इरेशनल है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है एक रेशनल नंबर जो कि 3 है. ओवरऑल ये क्या देगा? इरेशनल देगा यहां पे. तो 3 रूट टू क्या हो जाएगा हमारा? इरेशनल, ठीक है? इसी तरीके से अगर इरेशनल में अगर हम कोई रेशनल ऐड करते हैं तो क्या देता है?
इरेशनल में अगर हम कोई रेशनल ऐड करते हैं तो ये क्या देगा, इरेशनल देगा। ठीक, तो हमारे पास ये थ्री रूट टू क्या था, इरेशनल था। ठीक है, थ्री रूट टू क्या है, इरेशनल है। इसमें हम अगर कोई रेशनल यानी कि फाइव ऐड करेंगे ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। दिस इज माई फाइनल आंसर, इरेशनल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर एट इज, इन फिगर वन एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहां पे आपका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक, यहां पे एबीसीडी रेक्टेंगल का साइड का वैल्यू दिया हुआ है यहां पे। ठीक है, एबी क्या है, 30 सेंटीमीटर है यहां पे। ठीक है, बीसी क्या है, एक्स माइनस वाई है, और सीडी क्या है, एक्स प्लस वाई, और एडी क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, यानी कि इक्वल होती है। अपोजिट साइड की वैल्यू इक्वल होती है, ठीक है, एंड पैरेलल होती है। ठीक है, तो इसी थ्योरम के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां पे हम क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी यानी कि सी डी। ठीक, और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक, बी सी इज इक्वल टू ए डी, इन दोनों की मदद से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 यहां लिख लीजिए। CD की वैल्यू कितनी दी हुई है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक, और BC कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई। AD की वैल्यू है 14। ठीक है, यहां से हमको इक्वेशन नंबर वन मिल जा रहा है, यहां से इक्वेशन नंबर टू मिल जा रहा है। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इक्वेशंस जो सॉल्व होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है और एक एलिमिनेशन मेथड से होता है। ठीक, यहाँ पे आप दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू आपस में एड कर दूंगा। ठीक, इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू यहां पे ऐड करिए, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। ठीक, 2x दिस इज कैंसिल आउट इज इक्वल टू 30 और 30 प्लस 14 इज इक्वल टू 44। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22, x की वैल्यू 22 आ जाएगी यहां से। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 22 माइनस y इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो y को इधर शिफ्ट कर दीजिए, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 22 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, थैंक यू।